एनसी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राजस्थान सरकार की ओर से आज यानी 10 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि बजट को लेकर सीकर के लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने महिला वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस किया। आज यानी 10 जुलाई को सीएम नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में गृह विभाग के आला अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि बैठक बीते सोमवार को ही होनी थी, लेकिन सीएम के दिल्ली जाने की वजह से बैठक आज यानी 10 जुलाई को तय की गई है। रिपोली विधानसभा उपचुनाव का मतदान आज यानी 10 जुलाई को होगा। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 10 पुरुष एवं एक महिला शामिल है। मुकाबला मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन एवं एनडीए समर्थित प्रत्याशियों के बीच है। समस्तीपुर जिला रोजगार कार्यालय में एक जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसमें 12वीं और स्नातक दोनों ही छात्र रोजगार के अवसर पा सकते हैं। ये आयोजन आज समस्तीपुर शहर के मोहनपुर रोड होली मिशन हाई स्कूल के पास जिला रोजगार कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक कार एक नए अपडेट के साथ आज यानी 10 जुलाई को 2024 को वापस आ रही है। आपको बता दें कि BYD ने कुछ महीने पहले बिक्री में टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया था। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला को चीन की ईवी कंपनी BYD से बराबर की चुनौती मिल रही है। कोटा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आज यानी 10 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पंचायत समिति इटावा में जागरूकता शिविर लगाया जाएगा। घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के गांव मुंडोगढ़ी में आज महिलाओं के लिए दूसरी निःशुल्क बस सेवा शुरू होगी। बता दें कि इस बस को समाज सेवी सुशील कश्यप झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चौमू के इस्कॉन जयपुर श्रीमाधोपुर और अन्य भक्तों के सानिध्य में भगवान श्री जगन्नाथ के विशाल रथ यात्रा महामहोत्सव आज यानी 10 जुलाई को सायं 4 बजे से प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर से निकाली जाएगी। जयपुर में श्री श्याम अनमोल सेवा परिवार ट्रस्ट खाटू श्याम जी की ओर से आज यानी 10 जुलाई को 3 दिवसीय पाठोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्सव संयोजक राजेंद्र कोलवाल ने बताया कि आज होने वाली भजनामृत गंगा में वृंदावन से परम श्रद्धेय नंद किशोर शर्मा नंदू भैया आएंगे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का अनुमान है कि आज से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ेगा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1983 में आज के दिन भारतीय एथलीट चित्रा के सोमन का जन्म हुआ था। साल 2001 में आज के दिन श्रीलंका की संसद को राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंग ने निलंबित किया था। साल 2005 में आज के दिन अर्जेंटीना जूनियर विश्व कप हॉकी का नया चैंपियन बना। साल 2006 में आज के दिन रूस का विद्रोही नेता बसाइए मारा गया। साल 2006 में आज के दिन प्रसिद्ध शायर अहमद नदीम कासमी का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।